रख देंगे। तो बॉम्बे वाली फीलिंग आ रही है। एक लुक एट इट एंड इट्स ऑन आर की सुन रखे है। तू सब ठिकाने जाता क्या? सही करके जा। ठीक है ठीक छुड़ैल। अच्छी तरीके से आता है बट एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा गंदी लगी ना वो है इसकी स्टिचिंग।
देखो रस्सियां कैसी से निकल रही है, मतलब जितना खींचोगे ना उतना इसके अंदर से ना ऐसी रस्सियां निकलती जाएगी। तो स्टिचिंग तो बिल्कुल अच्छी करके नहीं भेजी इन्होंने, क्वालिटी वगैरह ठीक है, बाकी मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है तो ट्राई कर सकते हो, ज्यादा क्या ही बोलूं मैं। सो या नेक्स्ट अनारकली सूट है ना, वो है ये वाला ब्लैक कलर का। भाई क्या लग रही है मॉडल फिटिंग, मतलब उनका जो फिगर है ना मॉडल का, उसे देखने के बाद मैंने इसे बाय किया था। मॉडल बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। इसका प्राइस है ये, तो देखते हैं हमें कैसा मिला है, इस पिटारे में से क्या निकल के आता है। एक बात तो माननी पड़ेगी, मीशो कॉपी करने में ना बहुत सही है, क्या कॉपी किया है इन्होंने। मॉडल जो दिखा रहे हो ना भाई, वैसा नहीं मिलने वाला आप लोगों को, मीशो का ही माल मिलेगा। तो ये ड्रेस है ना कुछ ऐसी सी है, इतने सारे प्रिंट बने हुए ना, ऐसा लग रहा है इस पूरे अनारकली सूट में ना कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, मतलब इतने ज्यादा प्रिंट है। लग रही है सिंपल सोबर सा लग रहा है, अब इसके बारे में क्या ही तारीफ करूं। पीछे से बैक है ना वो भी बहुत ही ज्यादा सिंपल सोबर है। दुपट्टे की जो लेंथ है ना, जो अनारकली सूटों में आती है ना, उतनी सी कुछ लेंथ है, बट ठीक है मैं इसे वेयर करके आती हूँ एंड देन दिखाती हूँ कैसा लगने वाला है। अरे अनारकली सूट का जो लुक है ना, वो कुछ ऐसा सारा है जो कि बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। इसका ना जो पैटर्न है ना, वो थोड़ा सा लूज लूज सा है, मतलब आप लोग देख सकते हो, बट मॉडल के ऊपर ना ये बहुत ही अच्छा खासा फिटिंग का एंड ऐसे फ्लेयर में है। बट अगर फ्लेयर की बात करूँ ना, तो बहुत भर भर के कपड़ा भेजा भाई, कपड़े में कोई भी कंजूसी नहीं की। एंड इसे पहनने के बाद ना ऐसे नवरात्रों वाली वाइब आ रही है, मतलब पहन सकते हो नवरात्रों में, मुझे ऐसा लगता है। प्रिंट वगैरह बहुत ही ज्यादा प्यारा है, कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी आई है, कहीं से भी ना चुभ नहीं रहा, खा नहीं रहा, तो मुझे लगता है ट्राई करके देखना चाहिए एक बार। एंड पीछे से लुक कुछ ऐसा सा रहा है, बड़े सिंपल सोबर सा है बट यूनिक लग रहा है पहना हुआ, तो ट्राई कर सकते हो। या नेक्स्ट मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, वो है ये ब्लू कलर का अनारकली सूट। यार क्या मस्त लग रहा है ना मॉडल के ऊपर, एंड इसका प्राइस है ये तो भाई कपड़े के अंदर वेट ही नहीं है, मतलब एक मुट्ठी का कपड़ा है, मतलब क्या ही है यार, इतने ज्यादा प्राइस ले रहे हो कपड़े का, वेट ही नहीं दे रहे। एंड आप इसका कलर देखो भाई, क्या शाइन मार रहा है ना, एकदम प्रॉपर वाला नीला कलर होता है ना, वैसा सा लग रहा है। बट इसका पूरा लुक खराब कर दिया इस लेस ने, बड़ा ही चीप सा लेस, मतलब लेस इन्होंने यूज किया है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। घेर कुछ इतनी सी आई है, काफी ज्यादा ठीक लग रही है, ज्यादा घेर भी नहीं है इसकी। इसके साथ मुझे कोई भी प्लाजो नहीं मिला, इसके साथ मुझे दुपट्टा मिला है एंड दुपट्टा मुझे संभाव अच्छा लग रहा है, इतना माड़ा नहीं लग रहा। एंड आप लोग देख सकते हो दुपट्टे की लेंथ कुछ इतनी सी है एंड प्रिंट बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। एंड साइड में ना ऐसे बॉर्डर का वर्क है, मतलब लेस लगी हुई है जो कि काफी ज्यादा प्यारी लग रही है। सिंधी और स्पष्ट बात भाई, लेने की जरूरत ही नहीं है, कैमरे में बहुत अच्छा लग रहा होगा बट रियलिटी में ऐसा लग रहा है कि जो रोड पे 100-100 या 50-50 वाले कपड़े नहीं मिलते, मुझे ना पहन के ना वैसी फीलिंग आ रही है भाई, वैसी फीलिंग नहीं है, वही वाला कपड़ा है। आप टांगों को अच्छे से ना मतलब ऐसे स्ट्रेच भी नहीं कर सकते, इतना कम कपड़ा दिया ना, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बट ऐसे बस लटक रहा है मेरे बॉडी पे। फिर भी मैंने आप लोगों को ना पहन के दिखा दिया कि मतलब देख लो कि मतलब लुकिंग वगैरह ऐसी है। कपड़े की क्वालिटी की बात करूँ ना, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया था, बड़ा ही अजीब सा लुक आ रहा है। पीछे से भी देख सकते हो, मतलब हंसी आ रही है मुझे खुद को शीशे में देखे, बिल्कुल ट्राई मत करना, मैं कुछ नहीं बोलती इसके बारे में। ओके, इतने सारे अनारकली सूट मंगाए थे तो मैंने सोचा कुर्ता सेट भी ट्राई करते हैं, बिकॉज बहुत जमाने हो गए कुर्ते सेट को ट्राई किए हुए। तो ये वाला कुर्ता सेट कुछ ऐसा दिख रहा था, बहुत ज्यादा प्यारा लगा था। इसका प्राइस है ये, तो देखते हैं हमें कैसा मिला। वाओ, ये वाला कुर्ता सेट ना बड़े कैजुअल सा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, ऐसे बेकार नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लगता है कि ना आप इसे घर पे भी वेयर कर सकते हो एंड थोड़ा घूमने वगैरह के लिए बाहर जा रहे हो ना तो भी वेयर कर सकते हो। बट इसका जो कढ़ाई का वर्क है ना, आप देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, मतलब ये पैच वर्क है कुछ ऐसा सा। ये वाली पैंट मिली है, पैंट के जो कपड़े की क्वालिटी है ना भाई बहुत अच्छा है, ये इतना सॉफ्ट है ना कि आप इसे रात को पहन के भी सो सकते हो। लुक एट दिस दुपट्टा एंड इसका जो कलर एंड जो लाइन है ना, वो बहुत प्यारी लग रही है। सबसे अच्छा लगा जो ये फूल से बटे हुए है ना, वो मुझे बहुत ज्यादा प्यारे लगे। गाइस ये वाला कुर्ता सेट है ना, वो कुछ ऐसा सारा है, जस्ट लुक एट दिस, ये कलरफुल से कलर भाई दिल को छा गए। कुछ कुछ कुर्ता सेट ऐसे होते हैं ना जो पहनने के बाद ऐसे फील हो जाते हैं कि भाई ये हमारे लिए ही बने हैं, तो ये वाला कुर्ता सेट है ना ये मेरे लिए ही बना है। इसे पहन के ना ऐसे पंजाबियों वाली फीलिंग आ रही है, मतलब ऐसे जुतियां पहन लो, पायल पहन लो एंड कुछ हाथों में पहन लो, वॉच वूच से बहुत ज्यादा प्यारे लगोगे। अगर आप किसी को गिफ्ट पर्पज से भी लेते हो ना, तो भी उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आई है, डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ बाएंगे। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, वो है ये ब्लैक कलर का कुर्ता सेट। भाई मुझसे ज्यादा तो ये आप लोगों को पसंद आया था, हर किसी ने मुझसे पूछा था दीदी प्राइस बता दो, कोड बता दो, कितने में लिया, कहाँ से लिया।
भाई मीशो का ही माल है, मेरी सोच और आपकी सोच ना एकदम सही जगह जाके अटकती है भाई, मीशो पे अटकती है, बिकॉज वहीं पर तो मिलते हैं सस्ते कपड़े। भाई ब्लैक जो कलर होते हैं ना, मतलब ये कलर ऐसे होते हैं ना भाई, हर किसी को अच्छे लगते हैं, हर किसी पर सूट करते हैं। एंड ये लेस का वर्क है ना, एक सिंपल सोबर कुर्ते में ना ऐसे जान डाल देता है। प्लाजो एंड प्लाजो एकदम सिंपल सोबर सा है, प्लाजो में कुछ भी खास नहीं है। ब्लैक कुर्ता सेट है ना, वो कुछ ऐसा लग रहा है, जस्ट लुक एट मी, मैं कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ ना। दुनिया के सारे कलर एक साइड है, ये ब्लैक कलर होते ना वो एक साइड। भाई ब्लैक ऐसे होते है ना, जो पहनते हैं ना चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, भाई मेरी तो आ जाती है। एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, मैं कुछ दिखाऊं उसमें ब्लैक ना हो, ओह माय गॉड मुझे इतना ज्यादा सुंदर लग रहा है ना। सबसे ज्यादा जो इस पूरे कुर्ते में जान डाल रहा है ना, वो इसके लेस है। मतलब एकदम सिंपल सा कुर्ता है जो कि आप घर पे भी स्टिच कर सकते हो, बट इस व्हाइट लेस की वजह से ना इस पूरे कुर्ते का लुक चेंज हो गया। एंड जस्ट लुक एट दिस लुक, कितना ज्यादा स्मार्ट लग रहा है। मुझे लगता है यार ये डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। यार गाइस दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो, एंड मुझे ये हॉल करके ना बहुत ज्यादा मजा आया। बट इस बार जो एक्सपेक्टेशन थी ना मीशो से, वो थोड़ी सी डाउन चली गई, बिकॉज कपड़े ना कुछ ज्यादा इतने खास पसंद नहीं आए, बट कुछ कुछ थे जो मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारे लगे, एंड उसे तो मैं रखने वाली हूँ। बट इसमें ना बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जिसे मैं रिटर्न कर दूंगी, बिकॉज मुझे पसंद नहीं आए तो मैं अपने पैसे क्यों इन्वेस्ट करूँ, मैं हर टाइम ऐसे ही करती हूँ। सो या आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को सबसे अच्छा कुर्ता साड़ी या नारकली सूट कौन सा लगा। एंड यहाँ तक पहुंची मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, एंड प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, इतना शेयर करना कि शेयर वाला बटन ही टूट जाए, मजाक कर रही हूँ। एंड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।